काठीकुंड नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 20 युवकों और 25 युवतियों का प्लम्बिंग और टेलरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन रविवार को 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दुमका के कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडे के निर्देशानुसार असिस्टेंट कमांडेंट फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में किया गया। 12 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएसबी की 35वीं बटालियन नारगंज द्वारा क्षेत्र के 45 युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान टेलरिंग के प्रशिक्षक बजरंग घोष और प्लम्बिंग के प्रशिक्षक मोहम्मद बाबर अंसारी द्वारा सभी प्रशिक्षकों को कोर्स से संबंधित संपूर्ण प्रशिक्षण के साथ ही अहम जानकारियां भी दी गई। समापन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे असिस्टेंट कमांडेंट मीना ने प्रशिक्षण के लिए सभी प्रशिक्षकों को सर्टिफिकेट किट प्रदान किया। उपस्थित प्रशिक्षकों का धन्यवाद करते हुए श्री मीना ने प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कहा, प्रशिक्षण देने का हमारा उद्देश्य है कि हुनर के जरिए आप स्वावलंबी बने। प्रशिक्षण प्राप्त कर आप खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। कहा, इलेक्ट्रीशियन कुक ड्राइविंग सहित अन्य कोर्स का प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा, अगर क्षेत्र में किसी और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो बेझिझक ग्रामीण संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षुओं से अपने गांव समाज में अभिभावकों बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने इसका महत्व बताने की अपील की। इस मौके पर प्रशिक्षुओं ने 12 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की जानकारियों उपस्थित सभी के समक्ष साझा किया। कहा, इस प्रशिक्षण के दौरान हमें संबंधित जानकारियां बेहद ही बारीकी से दी गई जिसका उपयोग कर हम स्वरोजगार कर सकते हैं। उन्होंने एसएसबी दल को धन्यवाद दिया। मौके पर प्रशिक्षक एसएसबी के जवान मौजूद थे। जो सीखे हैं साया ब्लाउज और स्कर्ट ये सब सीखे हैं, सीने और काटने भी। प्लम्बर में सबसे पहले तो जितने भी घर का जो वायरिंग का जो भी सामान होता है उसका सामान का टोटल जो है उसके बारे में जो है जाने पहले, उसके बाद उसको वायरिंग जिस किसे किया जाता है वो सीखें, और चापाकल का जो है थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी हुआ है। एक दो को चापाकल भी हम लोग खोल के जो है उसको बनाए हैं, और समरसेबल का जो भी है हम लोग उसका भी काम किए हैं, उसको खोल के जो है उठाए हैं, उसको बनाए हैं, उसमें क्या खराबी होता है उसके बारे में भी सीखे हैं, और वायरिंग जो होता है घर का वो भी हम लोग सीखे हैं। इसके दिन जो प्रशिक्षण का समापन किया गया इसके विषय में सर कुछ बताइए। जो ये जो प्रशिक्षण है ये हमारी 35वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल दुमका के जो कमांडेंट महोदय है हमारे निर्देश पर हमने शुरू किया गया, और ये जो कार्यक्रम है नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत अपने प्लम्बिंग और टेल दो कोर्सों का इधर में हमने शुरू किया, जो तकरीबन 15 दिन तक ये कोर्स चले थे। तो यहाँ के जो जिसमें जितने प्रतिभागी जो भाग लिए हैं युवक जिसमें महिलाएं थी 25 जो टेलरिंग के लिए प्रशिक्षण लिया, और 20 पुरुष थे जिन्होंने प्लम्बिंग का प्रशिक्षण यहाँ पर प्राप्त किया, और ये लोग अब अपना जो रोजगार है वो आराम से अपने घर का कार्य कर सकते हैं और इनको एक रोजगार मिले। क्योंकि ये जो नक्सल प्रवाहित बेल्ट है इसमें इस तरीके के कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं ताकि किसी प्रकार के यहाँ के जो युवा है युवा पीढ़ी किसी भी उससे अपना जो लक्ष्य है टारगेट है उससे नहीं भटके इसके लिए हम समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते हैं ताकि ये लोगों को एक रोजगार मिल सके और अपना जीवन का यापन ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से इससे पूर्व और कितने विषयों में जो है सर प्रशिक्षण दी जा चुकी है? इससे पूर्व हमें कुकिंग के बारे में भी प्रशिक्षण हम दे चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो डिक्स बनाने होता है जैसे समोसा हो गया या शाही पनीर, मटर पनीर, पकौड़ी, इस प्रकार के जो भी है डिक्स वगैरह बनाते हैं इनका हम प्रशिक्षण यहाँ पर दिए हैं, और ड्राइविंग का दिए हैं यहाँ के युवकों को, जो गाड़ी चलाना सिखाया गया है, जो आराम से अभी लोग फोर व्हीलर अपना गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, ड्राइविंग का हमने प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ में ही हमने दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।